सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है तुम लोगों के। मैं हूँ स्पेस लॉर्ड एंड ये है एपिसोड 3 ऑफ प्लेस एमपी। आज हम खेलने जा रहे हैं एंड आज का तुम लोग टाइटल देख के ही समझ गए होगे मैं इतने सारे बैम्बूज क्यों फार्म करने वाला हूँ, क्योंकि आज हमें बनाना है एक और आर्मर अपने फ्रेंड डीलक्स पांडा 206 के लिए। एंड मेरे पास जो नेदराइट आर्मर पड़ा हुआ है जो मैं पहनता हूँ वो भी फुली नेदराइट नहीं है, उसका भी बूट्स और वो हेलमेट बचा हुआ है तो उसको भी पूरा करना है। और हमें एक न्यू नेदराइट आर्मर भी बनाना है, उसके लिए हमें एक्सपी भी लगेगा, मेंडिंग के बुक्स भी लगेंगे एंड प्रोटेक्शन के बुक्स जो है ये थे, इसको मैंने प्रोटेक्शन 4 के बुक्स बना दिए हैं। एंड उसके लिए हमें एक्सपी लगेगा, एमरल्ड लगेगा, बुक्स लगेंगे। एमरल्ड हमारे पास इतना ही है एंड प्रोटेक्शन के बुक्स हैं अपने पास जो मैंने अभी प्रोटेक्शन 4 पे किए थे, लेकिन मेरे पास मेंडिंग के बुक्स हैं क्या मेरे पास मेंडिंग के बुक्स हैं, 4 पड़े हुए हैं मेरे पास मेंडिंग के बुक्स। एंड अभी हम चलते हैं अनब्रेकिंग के बुक्स लेने के लिए, तो चलते हैं। एंड यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, तो यहाँ पे मैंने सोचा कि मेंडिंग के भी 3 बुक्स ले ही लेते हैं, एक बैकअप में रखते हैं ना, एक मतलब स्टॉक वगैरह, तो वो हम मेंडिंग के बुक्स ले ही लेते हैं एंड देन चलते हैं हम अनब्रेकिंग के बुक्स लेने के लिए। सो यहाँ पे काम पूरा हो चुका है, एमरल्ड और बुक अंदर रखते हैं एंड देन इसको भी मतलब इन सबको मैंने एक जगह पे लॉक करके रखा हुआ है, नहीं तो भाग जाते हैं या तो मर जाते हैं, जॉम्बीज मार देते हैं इनको। ये है अनब्रेकिंग 3 वाले का घर एंड यहाँ पे हम लेने वाले अनब्रेकिंग 3 के बुक्स, तो अभी अंदर चलते हैं। डर्ट तो रहा, डर्ट वापस लगा, नहीं तो भाग जाएगा तो फिर क्या ही करूँगा मैं। तो यहाँ पे 21 का दे रहा है अनब्रेकिंग 3, तो यहाँ पे अभी तो फिलहाल लेते हैं जितना होता है। एक हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया एंड चौथा, एक सेकंड, चौथा होता है क्या, चौथा नहीं हुआ। उसके लिए हमारे पास एक एमरल्ड कम पड़ गया एंड हमारे पास बाकी भी एक स्टैक एमरल्ड है, सो वही देखना पड़ेगा कि हमें एमरल्ड भी चाहिए इस मिशन के लिए एंड उसके बाद हमारे पास बहुत सारा एमरल्ड भी हो जाना चाहिए। तो अभी तो हम चलते हैं अपने चेस्ट के पास जहाँ पे एमरल्ड और बुक वगैरह रखा हुआ है एंड वहाँ से कुछ एमरल्ड्स लाते हैं जिससे हम अनब्रेकिंग 3 के बुक्स खरीदेंगे, कुछ जैसे कि 3 या 4। तो अनब्रेकिंग 3 का बुक हमें दे रहा है 20 का एक, तो हम यहाँ पे 60 ले लेते हैं एमरल्ड एंड कुछ बुक, क्योंकि हमें 3 अनब्रेकिंग 3 के बुक्स चाहिए एंड बाकी तो भाई अपने पास अभी 23 बचा हुआ है एमरल्ड एंड क्या करें भाई, बहुत गरीबी आ चुकी है अभी हम पे, छा चुके हैं बहुत सारी गरीबी। तो 60 एमरल्ड और 3 बुक लेके चलते हैं हम अनब्रेकिंग 3 वाले के पास एंड वहाँ से ले लेते हैं 3 अनब्रेकिंग 3 के बुक। तो ये गया एंड अपने पास हो चुका है अब 6 अनब्रेकिंग 3 का बुक एंड मेंडिंग के भी शायद 7 बुक हो चुके हैं। तो अभी तो भाई अभी तो कुछ ट्रेड नहीं करना है इसे, तो अभी हम चलते हैं वापस घर एंड चेस्ट वगैरह में रखते हैं सबको सामान को, क्योंकि हमारे पास अभी बस 8 XP बचा हुआ है जिसमें आई डोंट थिंक कि ये हो जाएगा, मतलब लग जाएगा बुक वगैरह आइटम सब पे। एंड अभी अपना सारा सामान यहाँ पे रख के मैं जा रहा हूँ नेदर, क्योंकि नेदर में होने वाला है बहुत सारा माइनिंग एंशियंट डेब्रिस के लिए, क्योंकि मेरे पास भी फुल्ली नेदराइट आर्मर नहीं है और मैं एक और नेदराइट आर्मर बनाने की सोच रहा हूँ, तो उसके लिए बहुत सारा एंशियंट डेब्रिस तो चाहिए होगा ना, तो इसीलिए हम चलते हैं नेदर में एंड वहाँ पे बहुत सारा माइनिंग करना बाकी है, क्योंकि यस तुम लोग मैंने बता दिया एंशियंट डेब्रिस। सो देखते हैं कितना नीचे जाना ज़रूरी है, मतलब आई थिंक कि अब सारे हाइट्स में मिल जाता है ये एंशियंट डेब्रिस, पर देखते हैं कि मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पे माइनिंग करना चालू कर दे, वो रास्ता है यहाँ पे जो आगे है, यहाँ से मैं आया था। सो हम यहाँ से अब माइनिंग चालू करते हैं एंड यहाँ से अब चालू होने वाला है मॉन्टाज, क्योंकि बहुत लंबा माइनिंग किया मैंने नेदराइट के लिए।
सो मैं नेदर से माइनिंग करके आ चुका हूँ एंड वहाँ पे मेरे को 12 एंशिएंट डेब्रिस मिला, तो इसको हम जल्दी से पका लेते हैं। इससे हमें 3 नेदरराइट के इंगट मिलेंगे, मतलब 12 तो नहीं मिला था मेरे को, मतलब क्या कितना 9 मिला था, हाँ 9 मिला था मेरे को एंड 3 मैंने यहाँ से लिया तो 12 हो गए। अब इससे हमें 3 नेदरराइट के इंगट्स मिलेंगे एंड जितना भी गोल्ड है इसको पहले हम गोल्ड बना लेते हैं यहाँ पे से। एंड जल्दी से बन जाइए भाई, एक सेकेंड, हाँ अब बन जाएगा। तो जल्दी से इसको पहले हम थोड़ा सा रख देते हैं, 12 हम ले लेते हैं एंड थोड़ा सा हम रख देते हैं चेस्ट में। सो लेट्स गो, सबसे पहले देखते हैं कि कितना हुआ है इसमें पका हुआ, 6 पका हुआ है, ठीक है। तो जल्दी से इसको थोड़ा सा निकाल लेते हैं, मतलब अभी छोड़ो भाई, निकाल के क्या ही फ़ायदा होगा, या तो निकाल ही लेते हैं क्या ही दिक्कत है। चलो 6 हो गए, 7 हो गए, मतलब 8 हो गए, सॉरी 8 हो गए एंड यहाँ से एक और पक चुका है। एंड ये विलेजर मेरा मुंह देख रहा है, क्यों देख रहा है मेरे को पता नहीं, तो इसको जल्दी से हम पकने देते हैं। एंड 3 हो चुका है, चौथा पक रहा है, ये भी हो गया। तो अब हम चलते हैं, पहले तो गोल्ड को रख देते हैं, पहले तो बना लेते हैं जितना भी बनता है। सो जल्दी से बन जाए नेदरराइट का, यहाँ पे यहीं पे होगा, मतलब पूरा अगर तुम खुद से हाथ से करने जाओ बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं इसीलिए रेसिपी बुक देख के करता हूँ। तो जल्दी से इसको 3 नेदरराइट इंगट हो चुका है। अब पहले हम अपने फ्रेंड के आर्मर को थोड़ा सा बना लेते हैं, क्योंकि मैं उसके लिए एक ब्रांड न्यू आर्मर बना रहा हूँ तो डायमंड का। तो सबसे पहले डायमंड को ही पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब डायमंड के ब्लॉक को डायमंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। देन उसके बाद हम लोग बनाएंगे आर्मर, तो 3 ब्लॉक को पहले कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक की ज़रूरत होगा, क्योंकि मैं बस आर्मर बना रहा हूँ, तो देखते हैं। एंड यहाँ पे चेस्ट प्लेट, या चेस्ट प्लेट बन चुका है। अब लेगिंग्स और बाकी सारी चीज़ें बनाते हैं, तो सबसे पहले लेगिंग्स यहाँ पे मैं बना चुका हूँ। अब डायमंड का हेलमेट, एंड हेलमेट भी तैयार हो चुका है। अब बूट्स बनने वाला है, बूट्स कहाँ हैं, बूट्स यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मिल चुका है, मैं बूट्स भी बना लेते हैं। और भी क्या करें, तो जल्दी से चलते हैं, पहले इंचैंटमेंट लगा, नहीं पहले इनको हम लगा लेते हैं ये नेदराइट, और नेदराइट में कन्वर्ट कर लेते हैं इन सबको। सो चेस्ट प्लेट एंड लेगिंग्स जो है वो हो चुका है नेदराइट का, एंड अब बूट्स भी हो गया, तो इनको सबसे पहले हम जाके रख देते हैं। एंड मैंने प्रोटेक्शन एंड बाकी बुक्स को सजा दिया है ऐसे करके लेवल बाई लेवल। तो सबसे पहले लेवल पे है प्रोटेक्शन 4, उसके बाद हमारे पास आता है अनब्रेकिंग 3 एंड मेंडिंग, लेकिन आई थिंक पहले हमें प्रोटेक्शन 4 के बाद मेंडिंग लगाना चाहिए, क्योंकि या रिपेयर होते रहेगा, अनब्रेकिंग 3 तो बाद में भी लग सकता है। तो पहले इन चारों पे प्रोटेक्शन 4 लगा देते हैं, जिससे ये एक टाइप से ठीक रहे, एंड धीरे धीरे हम बढ़ते जाएंगे, मतलब अभी तो प्रोटेक्शन 4 लगाए, फिर मेंडिंग लगेंगे, फिर अनब्रेकिंग 3 लगाएंगे। सो इनमें लग चुका है एंड एक बाकी है, कॉज मेरे पास शायद एक्सपी कम है, ठीक है एक्सपी उस हिसाब से नहीं है जितना होना चाहिए। सो यस, हमारे पास एक्सपी 1 बचा हुआ है, तो इसमें तो नहीं होगा, तो डायमंड को पहले यहाँ पर रख देते हैं। डायमंड का ब्लॉक गया एंड अब डायमंड भी चला जा चुका है चेस्ट में, एंड इसको भी रख देते हैं, गोल्ड को, गोल्ड नगेट को भी रख देते हैं, क्योंकि इससे हमारा गोल्ड इंगट बनने नहीं वाला, तो अभी यहाँ पे रख देते हैं। हेलमेट नहीं हुआ, हेलमेट पे प्रोटेक्शन 4 नहीं लगा, बाकी सब में लग चुका है प्रोटेक्शन 4। तो एक टाइप से बोलो तो मैं हेलमेट के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हूँ, ना उसको मैंने नेदरराइट दिया, ना भाई इसको प्रोटेक्शन लगा पाया, सॉरी हेलमेट बाद में लगा दूंगा पक्का। तो अभी तो हम सबसे पहले एक्सपी कलेक्ट करेंगे, एक्सपी कैसे कलेक्ट करेंगे यू मे आस्क, ठीक है। तो हम लोग कैसे एक्सपी कलेक्ट करेंगे, स्टिक्स से, स्टिक हमारे पास कैसे आया इतना सारा एंड कैसे आएगा, ये राज लिखा हुआ है टाइटल में, एंड टाइटल ही पढ़ के तुम लोग यहाँ पे आए हो, तो देख सकते हो हमारे पास इतना सारा बैम्बू था, जिससे हमने इतना सारा स्टिक बनाया एंड और भी बैम्बू हार्वेस्ट करने वाले हैं हम। तो हम अपनी इन्वेंट्री में अभी स्पेस को क्लियर करते हैं, तो मैग्मा क्रीम गया, फिर ये सब रख देते हैं। तो एक टाइप से हमारे पास इतना सारा इन्वेंट्री क्लियर रहेगा, तो हम जल्दी से कर पाएंगे स्टिक से, अब ट्रेड करने चलते हैं हम। सो अभी मैं स्टिक्स से करने वाला हूँ ट्रेड, एंड इसके बाद हम बैम्बू फिर से हार्वेस्ट करके स्टिक्स बनाएंगे, तो इसका एक मॉन्टाज लगेगा, ठीक है।
इतना सारा ट्रेनिंग के बाद हमारे पास आ चुका था बहुत सारा एक्सपी, तो हमने प्रोटेक्शन 4 भी लगा लिया इस पे, ये हेलमेट पे, एंड हेलमेट को डिस्क्रिमिनेशन से बचा लिया। उसके बाद मेंडिंग लगाना था, तो सबसे पहले मैंने चेस्ट प्लेट पे लगाया, क्योंकि चेस्ट प्लेट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है अपने आर्मर का, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले सब कुछ चेस्ट प्लेट पे ही लगाया है एंड बाकी सबको उसके बाद लगाया है। सो लेगिंग्स, बूट्स और हेलमेट पे बचा हुआ है मेंडिंग, एंड अभी हमारे पास दोबारा से एक एक्सपी आ चुका है, तो अब हम क्या करें इतने सारे चीज़ों को करने के लिए। तो हमने फिर से बैम्बू को हार्वेस्ट कर दिया है, एंड इस बार हमारे पास तुम देख सकते हो, पहले मैं चला जाऊँ वहाँ पे चेस्ट के पास, सो मैं इस चेस्ट को दिखा देता हूँ, ये पूरा चेस्ट भर चुका है बैम्बू से, एंड वो वाला भी चेस्ट दिखा देता हूँ जो उधर है हमारे पास। मेरे को टेक्निकली वो वाला चेस्ट पहले दिखाना चाहिए था, बट ये वाला पहले दिखा दिया मैंने, मैं बुद्धू हूँ। पहले तुम मेरा रिसोर्सेज देख लो, इतने सारे रिसोर्सेज हैं मेरे पास, आई नो तुम लोग जानते हो, बट दिखाना मेरे को अच्छा लगता है क्योंकि मैं फ्लेक्स कर रहा हूँ अपने रिसोर्सेज का, इतना सारा मैंने माइन करा है ना। सो यहाँ पे देख सकते हो, इस पे मेंडिंग और प्रोटेक्शन 4 लग चुका है, बाकी किसी पे भी मेंडिंग नहीं लगा, बस प्रोटेक्शन 4 लगा हुआ है, एंड बाकी सब पे मैं लगाने वाला हूँ अभी। बाकी सब पे अभी मेंडिंग लगाना बाकी है, तो वो भी मैं लगाने वाला हूँ, एंड इतना सारा मेरे पास वीट वगैरह रखा हुआ है, एंड ये मेरे सामान है क्योंकि ये अभी मैं दोबारा से नेदर जाऊंगा। तुम लोग देख सकते हो मेरा वीट यहाँ पे, वीट वगैरह, एंड ये मेरा सामान है, इसको सबसे पहले हम अपनी इन्वेंट्री में उतार लेते हैं, एंड चलते हैं बैम्बू फार्म करने के लिए एंड स्टिक्स को ट्रेड करने के लिए। तो स्टिक्स को ट्रेड करके मेरे पास इतना सारा एमराल्ड आ चुका है, यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा खाली हो गया, एंड ये दोबारा से उग रहा है, मतलब इसको मैंने दोबारा से हार्वेस्ट अभी नहीं किया क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी हार्वेस्ट करते भी नहीं है। इस चेस्ट में भी जो भरा हुआ था वो इतना है, ठीक है, इतना कम हो चुका है, एंड इसको करके मेरे पास एक स्टैक और 40 एमराल्ड आ चुका है। तो यही हमारा एमराल्ड का फार्म टाइप का हो गया, लेकिन मैं अभी बाद में रेड फार्म भी बनाने वाला हूँ, उससे टोटम ऑफ अंडाइंग और ये एमराल्ड वगैरह भी मिलेगा, तो अच्छा रहेगा। अभी तो मैं एमराल्ड को पहले रख देता हूँ उसकी जगह पे, तो यहाँ पे ये 29 28 यहाँ पे, तो यहाँ पर हम मैंने रख दिया है एमराल्ड को, इसमें वही सब है, वही सब, मतलब कुछ भी खास नहीं है। मुझे ट्रेडिंग करके मेरे पास 22 एक्सपी आ चुका था, तो चलते हैं दोबारा से सबको लगा देते हैं। ये सब लग चुका है, देख सकते हो मेंडिंग इस पर। अभी हम चेस्ट प्लेट पे अनब्रेकिंग भी लगा देते हैं, क्योंकि आई थिंक 7 एक्सपी हो जाना चाहिए, 7 एक्सपी बचा हुआ था, तो देखते हैं। नहीं भाई, 10 एक्सपी में होगा, वेट भाई बहुत ज़्यादा एक्सपी हो जाएगा ना। चेस्ट प्लेट पे 10 है, तो बाकी आर्म पीस पे भी 10 10 होगा, तो 40 एक्सपी अपने और चाहिए ये, जिससे हम अनब्रेकिंग 3 लगा पाएँ बाकी आर्मर पीसेस पे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि तो बैम्बू बहुत बड़ा हो चुका है, एंड हमारे पास यहाँ पे, एक सेकेंड मैं बताता हूँ तुम लोगों को, यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारा मतलब खाने का सामान है, जो कि बूचर से ट्रेड किया था हमने। अभी मैं स्वॉर्ड बनाने वाला हूँ, क्योंकि अभी बैम्बू हार्वेस्ट करेंगे, सारा स्वॉर्ड भी पहले इसमें रख देते हैं, 16 स्वॉर्ड मैंने बनाया है। यहाँ से सारा शुगर केन और मैं लेदर लेता हूँ, जिससे पेपर एंड ये बन जाए क्या बुक्स होता है, एंड यहाँ पे जितना भी पेपर है इसको मैं यहीं पे वापस से रख देता हूँ। अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं दोबारा से, एंड तुम देख सकते हो यहाँ पे इतना सारा स्टिक्स है, ये कहाँ से आया, ये दोबारा से बैम्बू हमने हार्वेस्ट करा था अभी, जो कि नहीं दिखा पाया क्योंकि बहुत लंबा पार्ट होता है बैम्बू को लगाना, बैम्बू को हार्वेस्ट करना, ये बहुत ही लंबा पार्ट होता है, एंड यहाँ पे भी पूरा चेस्ट बड़ा हुआ है, एंड मैं नेदर से दोबारा से माइनिंग करके आ चुका हूँ, इतना सारा सामान लेके आया हूँ मैं इस बार, एंड इसमें 10 एंशियंट डेब्रिस पड़ा हुआ है, मतलब मैं नेदर से माइन करके आया हूँ, एंड यहाँ पे 12 हो चुका है, तो 3 आर्मर पीसेस में और लग सकते हैं, मतलब कि 3 नेदराइट और बन सकता है यहाँ पे। तो इसको पकाने में हम लगा देते हैं, यहाँ पे पक जाएगा, तो अभी सबसे पहले ये बाकी जितना भी गोल्ड है इस सबको हम पहले गोल्ड नहीं, पहले मैं इस सबको ना क्या करता हूँ, पहले जगह खाली कर लेते हैं इन्वेंट्री में, यहाँ पे जितना भी नेदरैक वगैरह है इस सबको हम रख देते हैं यहाँ पे, एंड मेरे को तो इससे 10 गुना ज़्यादा नेदरैक मिला था, लेकिन अच्छा था कि स्पेस ही नहीं था मेरे इन्वेंट्री में, तो छूट गया सारा कुछ, नहीं तो बहुत स्पेस बनाने का रह जाता अभी। जितना भी गोल्ड नगेट था मैंने उसको गोल्ड इंगट बना लिया, एंड थोड़े से गोल्ड ले लिए नेदराइट बनाने के लिए, तो नेदराइट हम जल्दी से बना लेते हैं। जैसे हमें 3 नेदराइट के इंगट मिल चुके हैं, इससे हमारे 3 आर्मर पीस जो बचे हुए हैं, मेरा हेलमेट, मेरा बूट्स और ये दूसरे आर्मर का हेलमेट, तो ये तीनों अब होने वाला है, क्या बोलते हैं भाई,
ये नेदराइट का। हाँ तो नेदराइट का होने के बाद मेरे को आ चुका है अचीवमेंट कवर मी इन डेविस। तो ये सबसे पहले इस प्ले एसएमपी में मेरे को ही आया है क्योंकि मैं 8 दिन से मैं ही खेल रहा हूँ और कोई नहीं खेल रहा था यहाँ पे। एंड इतनी सारी ग्राइंडिंग मैंने करी है, नहीं तो ये डायमंड वगैरह जो थे वो हमारे पास इतने नहीं थे 21 तारीख तक। उसके बाद से मैंने ग्राइंडिंग वगैरह चालू की, ये सब हुआ उसके बाद। एंड नेदर से माइनिंग करने के बाद हमारे पास 22 एक्सपी भी आ चुका है, तो हम इस सब पे ये बुक्स लगा लेते हैं इंचेंटेड वाले। तो सबसे पहले इस पे लगा लेता हूँ, देन लेगिंग्स पे लगा लेता हूँ क्योंकि ये दोनों मेन पार्ट होते हैं, तुम लोगों को मैंने बताया है। इस सबको अब रख देते हैं, मेरे पास अब 2 एक्सपी बची हुई है तो इसमें तो कुछ होगा नहीं, तो हम दोबारा से अब ये स्टिक्स को ट्रेड करने वाले हैं एंड बैम्बू को हार्वेस्ट करने वाले हैं। एंड मैंने ये जो था हमारा वीट फार्म उसको भी मैंने हार्वेस्ट कर दिया क्योंकि उससे भी हमें बहुत सारा वीट मिला। तुम लोग देख सकते हो कितना क्वार्ट्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है, मतलब मैंने नेदर से कितना माइन करके आया, मैं लेके आया ठीक है। एंड जो लगाने उसके अलावा जो मेंडिंग और अनब्रेकिंग के बुक्स पड़े हुए ये यहाँ पे पड़े हुए थे इस चेस्ट में। एंड उसके बाद ये जो बंदा है ये काउ वाले फार्म में गिर गया था, तो हम वहाँ पे हमने वहाँ पे एक लेक्टन लगा दिया एंड उससे ट्रेड करने लगे क्योंकि वो हमें फेदर फॉलिंग दे रहा था, फेदर फॉलिंग 4, वो भी बस 17 एमरल्ड्स में। तो हमने ट्रेड लॉक कर लिया उसका एंड उसके बाद हम चले गए यहाँ से। तो मैं फिर देखने लगा कि ये क्या दे रहा, तो ये मेरे को कर्स ऑफ बाइंडिंग दे रहा था। बताओ मतलब एक लॉजिक लगाओ, देखो कोई कर्स क्यों लेना चाहेगा, मतलब कौन श्राप लेना चाहेगा बताओ तुम लोग। एंड ये बंदा मेरे से श्राप ट्रेड कर रहा है, मैं क्यों लूँगा बताओ तुम लोग, ये क्या हो रहा है ये माइनक्राफ्ट में। तो फिर उसके बाद जितना एमरल्ड बचा था, जितना पेपर बचा तो मैं यहाँ पे रख के आ गया। अभी हम सारा स्वॉर्ड निकाल लेते हैं क्योंकि बैम्बू हार्वेस्ट होने वाला है एंड दोबारा से इसका मैं माउंटेज डालूंगा, मैं खुद से नहीं बोलूंगा, बहुत टाइम लगता है। अब हमारे पास जितना भी फार्मिंग करके आया है वो सब हम यहाँ पे रख देते हैं। शुगर केन भी मैंने फार्म कर लिया था, तुम लोगों ने देख लिया, एंड शुगर केन को हम यहाँ पे रख देते हैं एंड रात होने का इंतजार करते हैं क्योंकि जब रात होगा तभी हम ट्रेड कर पाएंगे। ट्रेड कैसे क्यों कर पाएंगे इतना रात को मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले इस बैम्बू को स्टिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं।
रात को हम ट्रेड इसलिए कर पाएंगे क्योंकि जो है ना वो उस टाइम में सोए रहते हैं, तो कोई भी बाहर नहीं निकलता, नहीं तो फिर ट्रेडिंग होती तो बाहर निकलने की जिद करने लगते हैं, तो क्या करूँ। सो इस टाइम रात हो चुका है एंड अब मैं जा रहा हूँ पोजी स्टिक्स को ट्रेड करने के लिए, तो अभी चलते हैं एंड मोन्टाज चलाते हैं। सो इतना स्टिक्स ट्रेड करने के बाद हमारे पास इतना सारा एमरल्ड एंड हमारे पास बहुत सारा एक्सपी भी आ चुका था, तो हम जिससे आर्मर पे वो लगा सकते थे जो हमारा बुक बचा हुआ था अनब्रेकिंग 3 का, बूट्स और हेलमेट पे लगा सकते थे, तो पहले इस सबको एक सही जगह पे रख देते हैं, नहीं तो फिर क्या ही। तो अभी हम चलते हैं, इस सबको लगा देते हैं एंड इसी के साथ ये एपिसोड 3 जो है इसका सारा मोटिव जो था वो कंप्लीट होता है। इस आर्मर को बनाना, इतना सारा बैम्बू हमने क्यों किया, इतना सारा बैम्बू हमने इसलिए किया क्योंकि हमें उससे एक्सपी मिले, इतना सारा हमें एमरल्ड मिला एंड भाई बहुत मेहनत लगी। सच में बता रहा हूँ ये वीडियो एक्चुअली में 2 घंटे का था, बट क्या मैं मोन्टाज इतना इस वीडियो में इसीलिए मैंने किया क्योंकि वीडियो लंबा था, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा था, मैंने तुम लोग को बताया 2 घंटे का था, उसको मैंने इतना छोटा किया है, तो मोन्टेजेस की मदद से ही किए हैं एंड इसके साथ ये ख़त्म करते हैं। तो चलो बाय, मिलते हैं प्ले एसएमपी एपिसोड 4 में।